और जा रहे हैं, इसका थर्ड पेज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। हमने दो शुरू के पेज पढ़ लिए हैं इसके, जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि नथिंग इज़ टू, कोई भी चीज़ दो नहीं है। हमें अपने प्रेफरेंसेस नहीं रखने चाहिए, ओपिनियंस नहीं रखने चाहिए, इन द सेंस ऑफ, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को कन्फ्यूज़ कर देता है। अगर तुम किसी चीज़ को लाइक करते हो, किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, और ये तुम्हारे माइंड के लिए एक डिसीज़ की तरह काम करता है। तो अगर तुम्हें अल्टीमेट रियलिटी को जानना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो यही है आज की सीख के साथ साथ हम इसे तीसरे पेज पाते हैं। और जो ये तीसरा पेज है, ये सच बता बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब इसकी एक दो लाइनें ऐसी हैं जो अगर मैं इनमें ज़्यादा घुसता नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं ऊपर ऊपर से निकल जाता तो वेस्ट हो जाता सब कुछ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसको जल्द से जल्द, बिना किसी टाइम का, बिना कोई टाइम का। वैसे भी काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी वीडियो आ रही है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसको शेयर करो अगर तुम्हें पसंद आता है जो भी मैं करता हूँ, या फिर अपने सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल लिख दो यार, जो मर्जी वो लिख दो, अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिन सिंग मिंग, थर्ड पेज, फर्स्ट फ्रेज, लेट्स गो। सो डू नॉट होल्ड टू डुअलिस्टिक व्यूज, अवॉइड सच हैबिट्स केयरफुली। यहाँ पे उन्होंने फिर से वही बात पे जोर दिया है कि यार अपने जो डुअलिस्टिक व्यूज है ना, उनको छोड़ दो, उनको त्याग कर दो यार, उनको रखने की जो हैबिट है उसको हटा दो, फेंक दो अपनी लाइफ से। इफ देर इज इवन अ ट्रेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द माइंड इज लॉस्ट इन कन्फ्यूजन। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी एक तिनका भी है ना कि यार ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। वो कन्फ्यूजन में खो जाएगा कि यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो इसमें हमें ये बात बताई जा रही है कि डोंट होल्ड डुअलिस्टिक व्यूज। तो पहला पैराग्राफ बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें डुअलिस्टिक व्यूज रखने से मना किया गया। डुअलिस्टिक व्यूज क्या है? लाइक किसी एक चीज़ के ऊपर तुम्हारे दो विचार हो, वही डुअलिस्टिक व्यूज होता है। किसी चीज़ का डुअल नेचर हो, डुअल सब्सटेंस, ऐसे करके कुछ भी हम कह सकते हैं इनको। तो पहला फ्रेज काफ़ी ईजी था, काफ़ी समझ में आने वाला चीज़ थी। मतलब ऐसा कोई इसमें बहुत ही ज़रा डीपली चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो हमने दो पेजों में ऊपर पढ़ा है, वही एक उसमें दे रखा कि डोंट होल्ड डुअलिस्टिक व्यूज, वरना तुम्हारा दिमाग जो है वो कन्फ्यूजन में लॉस्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड फ्रेज। तो सेकेंड फ्रेज क्या है? ऑल्दो ऑल डुअलिटीज अराइजेस फ्रॉम द वन, डू नॉट क्लिंग इवन टू दिस वन। काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है। यहाँ पर कहा गया है कि हालांकि जो डुअल नेचर है वो आता तो एक से ही है, बट इस बात पे भी तुम होल्ड करके मत रखना, इस बात पे भी तुम यकीन मत करना। ये कहा है, कहा जा रहा है इस चीज़ में कि ये तो मैं, मतलब ये बुक हमसे कह रही है, अच्छा ये तो है कि जो डुअल नेचर है वो आता एक चीज़ से, वो आती एक चीज़ से ही है, बट इस बात पे भी तुम यकीन मत कर। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट लाइन, व्हेन द माइंड एग्जिस्ट अनडिस्टर्ब इन द वे, एवरीथिंग इज विदाउट फॉल्ट। सही बात है। अगर ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें, किसी तरह से वो अनडिस्टर्ब रहे, तो जो भी फॉल्ट्स, जो भी हमारे आसपास चीज़ें गलत हो रही हैं, वो फॉल्टी दिख रहा है, इसमें गलती है, इसमें ये सही है, ये गलत है, तो एवरीथिंग इज़ विदाउट फॉल्ट। सब कुछ बिना फॉल्ट के हो जाएगा। मतलब किसी में भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी है, हर चीज़ है, इसको ऐसे नहीं होना, ऐसा होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें फॉल्ट में आ जाती हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि प्लीज अराइज फ्रॉम द वन, एक से तो अराइज होती हैं, बट इस पे भी तुम यकीन मत रखना। एंड सेकेंड लाइन में हमसे कहा गया, अगर किसी तरह से हमारा जो माइंड है वो अनडिस्टर्ब वे में एग्जिस्ट करे, तो एवरीथिंग इज विदाउट फॉल्ट। जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे आसपास है, वो अनफॉल्टेड बन जाएंगे। उनमें अब ना ही वो फॉल्ट रहेंगी और ना ही हमें उनसे कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये पैरा भी काफ़ी सिंपल था, स्मूथ था। और ये जो थर्ड पैरा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरा है और मुझे बहुत ही सही लगा। मतलब इस पे
क्या ही लिखा है ये चीज, देखना ध्यान से पढ़ना। व्हेन थिंग्स कैन नो लॉन्गर बी फॉल्टी, अब जब चीजें अब फॉल्टी नहीं रही, इट इज एज इफ, ये ऐसा है जैसे कि देर आर नो थिंग्स, कि वह यहाँ कोई चीजें ही नहीं है, अगर कुछ फॉल्टी नहीं रहा तो ये ऐसा है जैसे कि कुछ भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सेकेंड लाइन, व्हेन द माइंड कैन नो लॉन्गर बी डिस्टर्ब, अब जब हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं है अब, तो ये ऐसा है जैसे कि यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं है, इट इज एज इफ देर इज नो माइंड। व्हेन द माइंड कैन नो लॉन्गर बी डिस्टर्ब, इट इज एज इफ देर इज नो माइंड, ये ऐसा है जैसे कि को हमारे पास कोई दिमाग ही नहीं है। व्हेन थॉट ऑब्जेक्ट वैनिशेस, द थिंकिंग सब्जेक्ट वैनिशेस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको कहा गया और सब्जेक्ट किसको कहा गया? ऑब्जेक्ट उस चीज को कहा गया है जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो हो गई ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हुआ? जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है, वो है ऑब्जर्वर। तो व्हेन थॉट ऑब्जेक्ट वैनिशेस, जब इस थॉट का जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई चीज ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है तो कैसा ऑब्जर्व करोगे उसको? सिंपल सी बात है। नाउ द फोर्थ लाइन इज, व्हेन द माइंड वैनिशेस, अब जब तुम्हारा दिमाग ही गायब हो गया है, तो सब कुछ द ऑब्जेक्ट्स सब गायब हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स भी वैनिश हो जाएंगे, राइट? तो काफी ब्यूटीफुल सा पैरा था, क्यूट सा। नाउ 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 ये जो फोर्थ फ्रेज है, बहुत तक बहुत ही ज्यादा, लाइक मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा भी है, मेरे पास इसकी प्रिंटेड कॉपी है, क्योंकि मुझसे ऐसे पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता इतना कुछ, वो खासकर अगर इतनी डीपली बातें हो तो इसकी प्रिंटेड कॉपी में मैंने नोट्स बना रखे थे। शायद देख रहे हो, ये देखो मैंने इस लाइन के ऊपर ही कितना कुछ लिखा हुआ है, कितना कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इस लाइन के ऊपर। और बस ये शुरू की दो लाइनें हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो इसको पढ़ते हैं। द अराइजिंग ऑफ अदर गिव्स राइज टू सेल्फ, गिविंग राइज टू सेल्फ जनरेट अदर्स। तो इस लाइन का मीनिंग बहुत ही ज्यादा डीप है, लाइक इसमें बात हो रही है हमारी, बट बहुत सारी चीजें से रिलेट करती है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको संस्कृत में नागार्जुन जी ने इसको स्टडी किया था और इसको नाम दिया था प्रतित्य सामुपदा, विच मीन्स डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और डिपेंडेंट अराइजिंग। मतलब कि अगर कोई धर्म, कोई फिनोमिना अराइज हुआ है, तो वो डिपेंडेड है अपॉन अदर धर्म, इसकी वजह से वो अराइज हुआ है। यानी कि इफ दिस एग्जिस्ट तो डैट आल्सो एग्जिस्ट, अगर ये किसी चीज से वजह से एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी नहीं एग्जिस्ट करता, इट्स लाइक दैट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसका है, द अराइजिंग ऑफ अदर गिव्स राइज टू सेल्फ एंड गिविंग राइज टू सेल्फ जनरेट्स अदर्स। तो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है प्रतित्य सामुपदा, सामुपदा, प्रतित्य सामुपदा पदा। तो काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में और बहुत ही मजा आया। और नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, नोन दीज सेमिंग टू फेसेट्स एस वन एम्प्टीनेस। अब ये जो दो चीजें तुम देख रहे हो, दो जिसके दो एंड्स हैं, जो दो तरह से बताई गई है, उसको एक एम्प्टीनेस की तरह देखो। और एम्प्टीनेस में मैंने बहुत कुछ चीज़ें खोजनी है उसकी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज दिस एम्प्टीनेस। तो एम्प्टीनेस संस्कृत में कहा जाता है मध्यामिका। सो मध्यामिका क्या है? वो चीज़ है जो ना, जिनका ना ही नेचर है, ना ही वो सब्सटेंस है, और ना ही कोई एसेंस उन चीज़ का, बट वो फ्रीली सॉलिडली सॉलिड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। लाइक धर्मा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अदर धर्मास, इट्स लाइक दैट। मतलब नेचर, एसेंस और सब्सटेंस, इन सबको हम भवा, संभवा कहते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है माध्यमा प्रतिपदा, माध्यमा प्रतिपदा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। इसको इंग्लिश में कहा जाता है द मिडिल वे। आप मिडिल वे सर्च करोगे विकिपीडिया पर, सब कुछ आ जाएगा, वहाँ से सब कुछ पढ़ लो जितना तुम्हें पढ़ना है, बहुत ही मजा आएगा। और ये मिडिल वे इज लाइक उनके लिए है जो ना कि मॉन्क हुड में जाना चाहते हैं,
और ना ही पूरी तरह से इस बेकार की साइड में रहना चाहते हैं मटेरियलिस्टिक वे में. द बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मिडिल वे. मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. अभी मैं यहाँ पे एक यहाँ कहीं पे एक इमेज भी डाल दूंगा, विच इज द व्हील ऑफ लाइफ. वहाँ पे काफी तुम्हें कुछ दिखेगा अच्छा, तो उन सबको भी तुम अलग से पढ़ सकते हो. लाइक मैंने इस लाइन के पीछे इतना ज़्यादा डिटेल में गया हूँ कि मैंने वो सब कुछ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि वो लाइक बहुत ही अलग चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही अलग चीज़ें हो जाएंगी. वो तुम भी पढ़ सकते हो चाहो तो. यहाँ पे बुद्धिज्म के 12 लिंक्स आ जाते हैं फिर. लाइक प्रतित्य सामू सामुत्पादा अगर मैंने बोला है तो उसके एसोसिएटेड और 11 चीज़ें भी हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे. यही चीज होती है कि अगर आपको एक बेस मिल गया ना कि अच्छा मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, तो आपको धीरे धीरे करके आगे खुद ही रास्ते मिलते जाते हैं. अच्छा यहाँ से ही आएगा, यहाँ से ही आएगा. तो दैट्स द लॉजिक. और इन सब चीज़ों को पढ़ने में इतना मज़ा आता है, और आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है जब आप जाते हो एक रियलिटी की तरफ. तो बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है. बट एम्प्टीनेस जो है यहाँ पे, हमें एम्प्टीनेस यहाँ पे दिखा रखी है, वो खुद में ही एम्प्टी है. इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका ना ही स्पिरिचुअल वे में एग्जिस्टेंस है, ना ही मटेरियलिस्टिक वे में एग्जिस्टेंस है. इट्स समथिंग एल्स ही है. इवन आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट या मैं इस पर अभी भी पढ़ रहा हूँ. अगर कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है जिसको मैं लाइक अपने शब्दों में कैसे उसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स वेरी यू नो वेरी टफ टू एक्सप्लेन. जितने मुझे इससे समझ में आया, प्रति प्रतित्य सामुत्पादा मध्यमिका ये सब चीज़ें मैंने बता दी. और यहाँ पे बस इतने यही दो चीज़ों का वर्णन था, द मिडिल वे का यहाँ से मैंने उठाया है थोड़ा सा. नाउ द लास्ट पार्ट, द लास्ट फ्रेज ऑफ द स्पेच. इन दिस एम्प्टीनेस द टू आर इंडिस्टिंग्विशेबल एंड ईच कंटेन इन इट सेल्फ द होल. इस मध्यात्मिका में द टू आर इंडिस्टिंग्विशेबल, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उनको उनमें फ़र्क नहीं बताया जा सकता. एंड ईच कंटेन इन इट सेल्फ द होल, और वो अपने आप में ही सब कुछ है. वैन नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन दिस एंड डैट, दिस और डैट में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये धर्म है तो ये भी धर्म है, ये फिनोमिना है तो ये फिनोमिना भी है, तो ये फिनोमिना भी. सो हाउ कैन यू प्रिफर वन टू अनदर. अब इन दोनों में से एक कैसे चूज करोगे, क्योंकि दोनों तो एक होकर भी एक नहीं है. समथिंग इज लाइक दैट, कुछ ना कुछ यहाँ समझ में आ रहा है. यहाँ थोड़ा बहुत ना ऐसा कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे प्रेफरेंस वाला पॉइंट अब हमें समझ में आ गया कि ये वहाँ पे क्यों कह रहे थे कि प्रेफरेंसेस रखना गलत है. तो यहाँ पे बहुत ही सही चीज़ थी कि अगर तुम्हें दिस और डैट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं बना सकते, तो तुम्हारे प्रेफरेंसेस ही कैसे रखोगे कि तुम्हें ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है इस चीज़ से. तो ये बहुत ही सुंदर सा फ्रेज था यार, मतलब काफ़ी डीप बुक है. और मैं बताता हूँ असल में ये बुक किसने रिकमेंड की है मुझे. ये बुक रिकमेंड की है संदीप महेश्वरी जी ने. तो पढ़ रहा हूँ, इट्स लाइक अमेजिंग, मतलब क्या ही बुक है. इसको पढ़ते जो मज़ा आता है ना यार, मतलब इतने डीप में तुम चले जाते हो, तुम्हारा दिमाग जो सालों से काम नहीं कर रहा होता है उसमें एकदम से ऐसा लगता है कि कोई किसी ने मशीन ऑयल डाल दी और वो धड़ 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 काम करने लगा. तो ये काफ़ी सही चीज़ है. तो इस बुक का तो ये सीरीज चलती रहेगी. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक ही वो करूँगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है फिर, दो नहीं कर सकते. और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं गीता के भी ऐसे वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, किसी के साथ अकेले में, अकेले मुझसे नहीं. लाइक अगर और लोग होंगे तो उनके और पर्सपेक्टिव होंगे तो और मज़ा आएगा. तो मैं ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ जो गीता को भी एक्सप्लेन कर सकें लाइक बेसिक लेवल पे, इजी मैनर में. तो मैं सोच रहा हूँ कि उन गीता के भी ऐसे सीरीज बनाई जाए. तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ऐसा करना सही है, प्लीज़ बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शंस. तो मैं उसके हिसाब से देखता हूँ कैसे आगे आगे हम ये करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी ऑनेस्ट. एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया. ये आम बच्चा देखो कितना.